दोस्तों नमस्कार, डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, यस, यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए आपको संपूर्ण हिंदी जो है वो 25 क्लास में आपको दी जा रही है ना। तो आज हम लोगों का जो यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल में जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट है वो आपका है, आपका 5 नंबर है। आज हम लोग देखेंगे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट में, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर वर्णमाला को। तो आज हम लोग वर्णमाला को कंप्लीट करते हैं। आइए चलते हैं दोस्तों चलते हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं वर्णमाला आपका कौन सा चैप्टर है। ये चैप्टर आपका है कौन सा, वर्णमाला आपका चैप्टर है ये। ठीक है, ये आपका वर्णमाला चैप्टर, यस, ठीक, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए इसमें दिया गया है भाषा की सार्थक लघुतम इकाई किसे माना जाता है। क्वेश्चन दिया है भाषा की सार्थक लघुतम इकाई किसे माना जाता है। यहाँ इन्होंने एक चीज़ जोड़ दी है, भाषा की सार्थक लघुतम इकाई, सार्थक जोड़ दिया है। तो सार्थक, आपको सार्थक लघुतम इकाई बताना है। तो क्या आपका ये हो जाएगा, क्या आपका शब्द हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा या मात्रा हो जाएगा। तो भाषा की सार्थक लघुतम इकाई क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना है भाषा की सार्थक इकाई जो है वो आपकी शब्द ही मानी जाती है। क्योंकि उसका कोई सार्थक का मतलब जो जिसका कुछ अर्थ हो, यदि ये पूछा जा रहा है ध्यान रखिएगा कि भाषा की सार्थक लघुतम इकाई मतलब एक ऐसा जिसका कोई अर्थ हो, तो आपको लगाना है कौन सा शब्द ही लगाना, आपको वर्ण यूज़ नहीं करना है। जैसे आपने कहा राम, तो राम आपका जो है एक शब्द है और इसका एक अर्थ भी है ना। तो ये आपका जो राम है एक शब्द है, ये आपकी सार्थक लघुतम इकाई में आएगा। लेकिन आप केवल रा कह दोगे तो ये आपका सार्थक लघुतम इकाई नहीं, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। और यहाँ पर राम का एक अर्थ है, इसका एक सार्थक अर्थ है, इसलिए इसे कहते हैं भाषा की सार्थक लघुतम इकाई किसे माना जाता है। तो आप कहोगे भैया शब्द को माना जाता है। किसे माना जाता है, ध्यान रखना, किसे, शब्द को माना जाता है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। भाषा की मूल इकाई, यदि ये कहा जाए भाषा की मूल इकाई क्या है, तो भाषा की मूल इकाई अक्षर है, भाषा की मूल इकाई ध्वनि है, भाषा की मूल इकाई संकेत है, भाषा की मूल इकाई वर्णमाला है। तो भाषा की यदि मूल इकाई यदि पूछ ले तो आपको ध्वनि बताना है। क्या बताना है, ध्वनि। क्यों ऐसा क्यों करना है, आप जानते हो, जब जैसे आप किसी वर्ड का उच्चारण करते हो, आप मान लो कह रहे हो का, तो का जो है का एक क्या है, ध्वनि थी, ध्वनि ही तो है, का एक क्या है, का एक ध्वनि है। जब उसे आप लिखित रूप दे देते हो, आप कह देते हो का, तो वो बन जाता है वर्ण। और यदि आप उसको केवल बोलते हो तो वो आपका जो होता है, केवल बोलने में यूज़ करते हो का, तो का एक क्या है, ध्वनि है। तो इसलिए क्वेश्चन जब इस तरह से का पूछ लिया जाए, ध्यान रखो भाषा की मौखिक, आपसे ऐसे पूछ लिया जाए भाषा की मौखिक, यदि ऐसे पूछ ले भाषा की मौखिक लघुतम इकाई यदि ऐसे पूछ ले, यदि भाषा की मौखिक लघुतम इकाई पूछ ले, तो आपको आंसर देना है हमेशा क्या, आपको ध्वनि आंसर देना है। क्या देना है, ध्वनि। और यदि वो ऐसे पूछ ले आपका, यदि इस तरह से वो पूछ ले, कैसे, देखो बेटा कैसे पूछ ले, यदि वो पूछ ले भाषा की लिखित लघुतम इकाई, यदि ये पूछ ले, लघुतम इकाई, तो आपको बताना है। तो आपको क्या बताना है, तो ध्यान रखो दोस्तों, आपको बताना है कौन सा वर्ण, बताना है कौन सा वर्ण। ये आपकी लघुतम, यदि लिखित इकाई पूछ ले तो वर्ण बताना है, मौखिक इकाई पूछ ले
तो आपको क्या बतानी है, ध्वनि बतानी है। तो भाषा की जो मूल इकाई होती है वो ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि। यदि मूल इकाई पूछ ले, मौखिक इकाई पूछ ले, जिसको केवल हम बोल सकते हैं, हम लिख नहीं सकते, वो आपकी ध्वनि होगी। यदि भाषा की लिखित इकाई पूछेगा तो आपका वो आपका आंसर होगा कौन सा, तो वर्ण आपका आंसर होगा। ठीक है, ये जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो वर्ण बोलने में ध्वनि का उच्चारण होता है, इसलिए बोलने की जो मौखिक इकाई है, बोलने की वाली है, उसे कहते हैं ध्वनि। और लिखने के लिए जब उसी को हम लिखित रूप दे देते हैं तो वो आपका वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्ण हो जाता है। ठीक है, अगला, वर्णों के कितने भेद हैं? तो वर्णों के बेटा, वर्णों के कितने भेद हैं? तो वर्ण के दो भेद हैं। कितने? वर्ण के दो भेद हैं, दो भेद हैं, वर्ण के दो भेद। कितने? दो भेद होते हैं। नंबर एक स्वर, और दूसरा आपका जो होता है वो क्या होता है? व्यंजन होते हैं। वर्ण जो होते हैं वो स्वर और व्यंजन होते हैं। वर्णों के कितने भेद हैं? तो वर्णों के, ध्यान रखना, वर्णों के आपके दो भेद हैं। कितने? दो भेद हैं वर्णों के। ठीक है, यस। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? हिंदी भाषा में कुल वर्ण कितने हैं? यदि ये पूछ ले कुल वर्ण कितने हैं, तो आप बता देना कितने वर्ण हैं। आप 52 वर्ण बता देना। कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण बता देना। कैसे कैसे 52 वर्ण हैं? चलो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहले आपके रहे कौन से? स्वर। तो स्वरों की संख्या, यदि हम कह दें स्वरों की संख्या, तो स्वर आपके कितने होते हैं? स्वर आपके होते हैं कितने? 11। 11 स्वर हो गए आपके। उसके बाद अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? अयोगवाह कौन? अयोगवाह वर्ण। तो अयोगवाह वर्ण की संख्या आप जानते हो कितनी होती है? दो, अंग और आ, इन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। ठीक है, फिर आपके आते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। कौन से? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या, स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? वो आपकी 25 होती है। फिर होते हैं आपके कौन से? अंतस्थ व्यंजन। कौन से? आपके होते हैं अंतस्थ व्यंजन, है ना, अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या आप जानते हो कितनी होती है? 4। फिर होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। कौन से? आपके होते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन जो होते हैं, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? वो भी आपकी 4 होती है। फिर आप कहते हो भैया संयुक्त व्यंजन। कौन से? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो आप कहते हो भैया संयुक्त व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। फिर तुम कहते हो द्विगुण व्यंजन। कौन सा? द्विगुण, उन्हीं को उत्क्षिप्त भी कहते हैं द्विगुण व्यंजन, है ना, द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? वो आपकी कितनी होती है? 2। द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 2। तो ये आपके हो जाते हैं कौन से? द्विगुण व्यंजन। देखते हैं कितने होते हैं, है ना, 25 और 4 29, 4 33 और 4 37 और 2 39, 25 4 33, 35 4 29, 4 33 और 4 39, 33 4 37 और 2 39, 2 41 और 11 52। तो ये आपके हो गए कितने? 52 वर्ड हो जाते हैं। ध्यान रखना कितने वर्ड हैं, ये आपके 52 वर्ड हैं। 1 2 3 5 8 4 12 और 4 16 और 4 20, 2 22, 22 की 2 आँख से लगी, 2 2 1 3 3 2 5 5, ये 5 आपके कितने वर्ड हो गए? 52। तो 52 वर्ड आपके। इस तरह से हिंदी भाषा के कुल वर्ण लिपियाँ यदि पूछी जाएं दोस्तों, तो आपके 52 होते हैं, ये 52 होते हैं। स्वरों की संख्या 11 है, अयोगवाह वर्ण 2 है, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 है। टोटल आपके जो होते हैं स्वर और व्यंजन मिला के आपके कितने होते हैं? ये आपके होते हैं 52, है ना। स्वर कितने हैं? स्वरों की संख्या, जो स्वरों की संख्या है वो, स्वरों की संख्या आपकी जो है यहाँ पे हो रही है कितनी? स्वरों की संख्या हो रही 11। और आपका जो व्यंजनों की है, किसकी? व्यंजनों, व्यंजनों की संख्या जो हो रही है, व्यंजनों की संख्या जो हो रही है वो आपकी 41। दोनों जोड़ोगे तो आपके 52 वर्ड बन रहे। किसके? कितने वर्ड? 52 वर्ड हो जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से।
नेक्स्ट देखो, लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, है ना, लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो आप जानते हो, आपने परिभाषा पढ़ी है, वर्णमाला की परिभाषा क्या पढ़ी है आपने? वर्णमाला, वर्णमाला, इसकी परिभाषा आपने क्या पढ़ी है? इसकी परिभाषा दोस्तों आपने पढ़ी है क्या? वर्णों के, क्या पढ़ी है? वर्णों के व्यवस्थित, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, समूह को क्या कहते हैं? को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, कहते हैं, है ना? तो ध्यान रखना, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो हम यहाँ आंसर लगाएंगे कौन सा? वर्णमाला लगाएंगे कि लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है? यस। अगला, स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या, स्वर हमारे जो हैं, स्वरों की संख्या, तो ध्यान रखिए दोस्तों, स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11। कौन? आ, आ, आपका ई, ई, और आपका उ और ऊ, और आपका ए और ऐ, और आपका ओ, और कौन सा? ओ और औ। ये हमारे जो हैं, ये हमारे 11 स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? 11, ठीक है। यदि कभी ऐसे पूछ ले, देखो, कुल स्वरों की संख्या, यदि ऐसे पूछ ले, कुल स्वरों, स्वरों की, यदि ऐसे पूछ ले कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या यदि पूछ ले तो आप 13 बताना है। क्या? कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 13। इसमें दो और जुड़ जाते हैं, अयोगवा। कौन से? अयोगवा वर्ण, है ना, अयोग, अयोग वाह, अयोग वाह वर्ण। अयोग वाह वर्ण कौन से होते हैं? अयोग वाह वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो अयोग वाह वर्ण आपके होते हैं 0, 2। कौन से होते हैं अयोग वाह? ये अंग होता है, ये अंग, और ये आपका होता है आहा। इन्हें अयोग वाह वर्ण कहा जाता है। अंग को, अंग को कहा जाता है, अंग को क्या कहा जाता है? अंग को कहा जाता है अनुस्वार, ध्यान रखना, अंग को कहा जाता है अनुस्वार, और आपका जो आहा होता है उसे कहा जाता है क्या? विसर्ग। क्या? उसे कहा जाता है विसर्ग, ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग। तो अयोग वाह वर्ण की संख्या 2, कौन कौन सी? अंग और आहा। अंग को कहा जाता है क्या? अनुस्वार। और आहा को कहा जाता है क्या? विसर्ग कहा जाता है। क्या? विसर्ग कहा जाता है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11। कितनी? 11। तो सही आंसर आप 11 लगाना, जब कुल स्वरों की संख्या पूछे तब 13 लगाना दोस्तों, ठीक है। अगला, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? काय के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? काय के आधार पर? मात्रा के आधार पर। मात्रा कह दो चाहे उच्चारण के आधार पर कह दो, है ना, मात्रा कह दो चाहे कह दो उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के दोस्तों कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, है ना, कितने? उच्चारण के आधार पर कितने? 3 भेद। तो मात्रा कह दो, देखो, चाहे उच्चारण कह दो, ठीक है, उच्चारण, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? तो मात्रा कह दो चाहे कह दो क्या? उच्चारण, क्या? उच्चारण के आधार पर, के आधार पर, ठीक है, ये आधार पर कितने भेद हैं? 0, 3 भेद हैं। नंबर एक कितना? पहले आपका हस्व स्वर, कौन सा? ये देखो, हस्व और कौन सा? आपका हस्व स्वर, ये आपका हस्व स्वर है। दूसरा आपका है दीर्घ स्वर, कौन सा है? दीर्घ स्वर है आपका, दूसरा आपका दीर्घ स्वर है। तीसरा आपका जो है वो प्लुत स्वर है, कौन सा? प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, है ना, हाँ। ये आपके मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और आपके कौन से? और आपका प्लुत स्वर, है ना। हस्व स्वर में कौन कौन से रहते हैं? देखो, हस्व स्वर में, हस्व स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, और आपका कौन सा? ऊ, आ, ई, ऊ, और ई।
ये आपके हस्व स्वर हैं। हस्व स्वरों की संख्या, इनकी संख्या जो है वो 04 है, ठीक है। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, ये आपका आ, आपका ई, आपका ऊ, आपका ए, सॉरी आपका ए है ना, आपका ई, आपका ओ, और आपका कौन सा है, ये आपका है कौन सा, ये आपका औ है, कौन सा है, ये आपका औ, कितने हो गए। इनकी संख्या जो है, इनकी संख्या मैं बताऊं तो इनकी संख्या आपकी 7 है, कौन सा, 7। इसमें पुलुत स्वर में क्या होता है, पुलुत स्वर में ये ओम होता है, ओम जो है आप लिखते हो, ये आपका पुलुत स्वर होता है ना, ओम, ये आपका पुलुत स्वर, जब ओम का उच्चारण होता है। हस्व स्वर जिनको, जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें हस्व स्वर कहते हैं, जिनका उच्चारण करने में हस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर, और जिनका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें कहते हैं कौन सा, उन्हें कहते हैं पुलुत स्वर, है ना। तो ये आपके हस्व स्वर कौन है, ये हैं, ये आपके कौन से हैं, दीर्घ स्वर, और ये आपके कौन, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 और पुलुत स्वर आपका ओम होता है, ठीक। अच्छा देखो, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में थोड़ा बता दें, देखो दीर्घ स्वर, ये आपके दीर्घ स्वर जो है, ये आपके कौन से, दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर की संख्या आपको बताए कितनी, 7 बताई, कौन कौन से दीर्घ स्वर बताया आपको, ये बड़ा आ, और आपकी बड़ी ई, और आपका बड़ा ऊ, और आपका ए, आपका ऐ, आपका ओ बताया, आपका कौन, ये औ बताया, कौन, औ। इसमें ये जो तीन होते हैं आप देख रहे हो, ये जो तीन होते हैं इन्हें कहते हैं बेटा मूल दीर्घ स्वर, क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं मूल दीर्घ स्वर, ध्यान रखना, दीर्घ स्वर में भी देख लेना, ये आपके मूल दीर्घ स्वर हैं, कौन से हैं, मूल दीर्घ स्वर हैं, ये आपके जो हैं, ये आपके, ये कितने हैं, ये आपके 4 हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं, इन्हें भैया कहते हैं संयुक्त स्वर, कौन से, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। ये मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3, संयुक्त स्वरों की संख्या 4। मूल दीर्घ स्वर कौन से, ये आपके मूल दीर्घ स्वर बताया आपका, एक तो ये आपका बताया, क्या ये आपका बताया, ये आपका बड़ा, क्या बड़ा, ये कैसे बना है, ये आपका बना, ये आपका आ और प्लस आ से, इसीलिए इसे कहते हैं मूल, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मूल दीर्घ स्वर। ये आपकी बड़ी ई है और ये आपका कौन सा है, बड़ा ऊ है, ठीक है। इसीलिए ये कैसे बने हैं, ये ई और ई से बने हैं, ये कैसे बना है, ये ऊ प्लस ऊ से बना है, ये ऊ प्लस ऊ से है ना, तो ये लघु लघु से बनकर दीर्घ बने, इसीलिए इन्हें कहते हैं मूल दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर कैसे बने हैं, तो संयुक्त स्वर देखिए, ये संयुक्त स्वर आपके कैसे बने हुए हैं, ए कैसे बना है आपका, है ना, ये ए कैसे बना है आपका, और आपका आई कैसे बना है आपका, ये भी, ये कैसे संयुक्त हुए हैं, ओ कैसे संयुक्त हुआ है, औ आपका कैसे संयुक्त हुआ है, वो भी आप लोग देख लीजिए, है ना, ये आपका ए संयुक्त हुआ है कैसे, आ प्लस ई से, किससे, आ प्लस ई से, ऐ संयुक्त हुआ है आ प्लस, किससे, आ प्लस ए से संयुक्त हुआ है, ये आपका ओ संयुक्त हुआ है किससे, ये आपका आ प्लस ऊ से संयुक्त हुआ है, और औ संयुक्त हुआ है कैसे, ये आ प्लस ओ से संयुक्त हुआ है, कौन सा, आ प्लस ओ से संयुक्त हुआ है, तो ये आपके, ये क्या कहलाते हैं, ये आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ये आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, कैसे संयुक्त हुए हैं, आ प्लस ई से ए संयुक्त हुआ है, आ प्लस ए से आई संयुक्त हुआ है, आ प्लस ऊ से ओ संयुक्त हुआ है, और आ प्लस ओ से, आ प्लस ऊ से है, ये आ प्लस ओ से
असंयुक्त हुआ है। इन्हें कहते हैं हम संयुक्त स्वर, इन्हें कहते हैं हम मूल दीर्घ स्वर, और ये मूल दीर्घ स्वर जो है वो इस तरह से आपके संयुक्त हुए हैं, इस तरह से संयुक्त हुए हैं, ठीक है। और ये आपके संयुक्त हुए हैं, इस तरह से संयुक्त हुए हैं, कौन से संयुक्त स्वर, इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं मूल दीर्घ स्वर, है ना। यस ओके ओके नेक्स्ट, है ना। इनका फिर अभी हम प्रोनंसिएशन भी बताएंगे, तो ये कितने प्रकार के हैं, ये आपके मात्रा या उच्चारण के आधार पर ये आपके तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी भाषा में आप जानते हो ह्रस्व स्वरों की संख्या चार है, ह्रस्व स्वर अभी बताया था, ह्रस्व जो स्वर हैं वो कितने हैं, चार ह्रस्व, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, हर ह्रस्व स्वर की संख्या, तो ध्यान रखिए ह्रस्व स्वर की संख्या पूछ ली जाए तो ध्यान रखिए चार है, कितनी चार है, कौन आ ई ऊ और रिरी, कौन आ ई ऊ रिरी, ये आपके ह्रस्व स्वर हैं, ठीक है। यस अगला नेक्स्ट है, इनमें से समवृत स्वर कौन सा है, समवृत स्वर है ना, इनमें से सम कहा जा रहा समवृत स्वर जो है वो कौन सा है, है ना। तो कभी ऐसे पूछ लिया जाए, ध्यान रखो मुख द्वार खुलने के आधार पर ऐसे पूछ लिया जाए, मुख द्वार खुलने के आधार पर, खुलने के ऐसे पूछ लिया जाए, के आधार पर ऐसे पूछ लिया जाए, मुख द्वार खुलने के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, ये बेटा चार प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, चार प्रकार के होते हैं, मुख द्वार खुलने के आधार पर चार प्रकार के स्वर होते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं मैं लिख के बताऊं, होते हैं आपके समवृत स्वर, कौन सा समवृत स्वर होते हैं, दूसरा आपका कौन सा होता है, ये आपका अर्ध समवृत स्वर, अर्ध समवृत स्वर होता है, अर्ध समवृत स्वर होता है, तीसरा आपका कौन सा होता है, विवृत स्वर होता है, कौन सा विवृत स्वर, इसे विवृत स्वर, ये आपका चौथा होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अर्ध विवृत स्वर, कौन अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। तो आपके ये जो हैं कितने प्रकार के होते हैं, इनमें से समवृत स्वर मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं। समवृत स्वर में कौन आता है, आप जानते हो समवृत स्वर में कौन आता है, तो समवृत स्वर में हम रखते हैं किसे, हम ई, किसे ई और आपका ऊ होता है, ये आपका समवृत स्वर होता है। अर्ध समवृत स्वर कौन होता है, अर्ध समवृत स्वर होता है आपका ए और आपका होता है कौन ओ, ये आपका अवर समवृत स्वर होता है। विवृत स्वर कौन होता है, विवृत स्वर आपका होता है एक ही आ, क्या होता है आ, और आपका अर्ध विवृत स्वर कौन होते हैं, ये आपके होते हैं कौन से, ये आपका आ होता है, आपका ऐ होता है, आपका ओ होता है, आपका औ होता है, कौन औ होता है, और आगत स्वर कौन सा ओ, ये आपके जो है वो अर्ध विवृत स्वर हैं, कौन से हैं ये, इन्हें कहते हैं हम अर्ध विवृत स्वर कहते हैं, ठीक है। ये आपके, अरे इसमें ओ और ये लिख गया है, ये नहीं है, या ओ तो ऊपर लिख चुका है ना, ये है ना, तो ये आपके ये, तो आ और आपका आई और आपका औ और औ, ये आपके अर्धविवृत स्वर हैं, ठीक है। तो देख लो इसमें समवृत स्वर कौन है, तो समवृत स्वर यही तो है, तो इसमें समवृत स्वर कौन है भैया, ई हमारा जो है वो हमारा कौन सा स्वर है, ई हमारा जो है वो हमारा समवृत स्वर है, कौन सा समवृत स्वर। ध्यान रखो कभी ऐसे आ जाए मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर के चार भेद होते हैं, समवृत स्वर, अर्ध समवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, कौन कौन से होते हैं वो आपके इस लाइन में लिखे हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, निम्न में से का वर्ग का उच्चारण स्थान, तो वर्गों की संख्या कितनी है, कितने वर्ग हैं, वर्गों की संख्या पूछ ली जाए, देखो वर्गों की संख्या,
तो यदि ऐसे पूछ लिया जाए वर्गों की संख्या, तो ध्यान रखना वर्गों की संख्या पाँच होती है, पाँच वर्ग होते हैं। कौन से होते हैं पाँच वर्ग? इनको एक सांस में लिख दिया जाए कचट तप। कौन से? कचट तप वर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं वर्ग? देखो हम बता रहे हैं आपको वर्ग, है ना, वर्ग। ये आपका कौन सा? ये आपका का वर्ग हो गया, ठीक है। वर्ग, उच्चारण स्थान, यहाँ डाल दो कौन सा? उच्चारण और स्थान, ये आपका उच्चारण स्थान हो गया, ठीक। यहाँ ना डालो, इधर उच्चारण स्थान। फिर हम उच्चारण स्थान भी बता रहे हैं, ये आपके वर्ग हो जाएंगे, ये आपके वर्ग हो जाएंगे। यहाँ आपका जो है ये, ठीक, ये आपका हो गया वर्ग, ये आपके वर्ग हो गए। यहाँ आपका हो गया कौन सा? का वर्ग, है ना। और ये आपका हो गया का, और ये हो गया खा, ये हो गया गा, और ये हो गया घा, और ये हो गया हमारा इंगा। क्या होगा? इंगा। और ये हो गया हमारा चा, दूसरा वर्ग चा, तो चा और छा और जा और झा और यहाँ, यहाँ हो गया। ये हो गया टा, तो टा फिर ठा फिर डा फिर ढा, क्या ढा और फिर अड़ा, ये हो गया ता, है ना, ता फिर था फिर दा फिर धा, फिर हो गया क्या, ये हो गया ना, ये हो गया कचट तप्पा, तो पा और फिर हो गया फा, ये हो गया बा, ये हो गया भा और ये मारा है बेटा, ठीक है। ये उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान क्या है बेटा? कावर्ग जो है इसका उच्चारण स्थान का कंठ से है, किससे? कंठ से है। इसका उच्चारण स्थान ये तालु से है, किससे? तालु से। इसका उच्चारण स्थान ये आपका मूर्धा से है, किससे? मूर्धा से। ये आपका उच्चारण स्थान ये आपका दंत से है, किससे? दंत से। इसका उच्चारण स्थान ये आपका ओष्ठ से है, किससे? ओष्ठ से। तो हमारे उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है? पाँच। हमारे वर्गों की संख्या कितनी है? पाँच, है ना, पाँच होती है। तो निम्न में से कावर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये आपका है कावर्ग। कावर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? अरे भैया कावर्ग का उच्चारण स्थान तो कंठ है। कौन सा है? कंठ है। तो ये हमने लिख दिया कौन सा? कंठ में टिक लगा दिया, है ना। तो उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है? पाँच है, ठीक, ओके। और कौन सा कावर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? का है, ठीक है। विसर्ग का उच्चारण स्थान, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? विसर्ग का उच्चारण स्थान देखो, विसर्ग का उच्चारण स्थान जो है ये, इसे कहते हैं, ये जो आपका होता है अंग, ये अंग, और ये होता है आपका आहा, इसे आहा कहते हैं। तो आहा का जहाँ पे उच्चारण स्थान हा का होता है, तो हा का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो आपका आहा कहा जाता है। इसलिए इसका उच्चारण स्थान भी कौन सा होता है? कंठ होता है। कौन सा उच्चारण स्थान होता है इसका? कंठ होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, कंठ तालव दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ तालव, ये कंठ तालव होना चाहिए और दीर्घ स्वर होना चाहिए। तो स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण करो यहाँ, है ना, तो उससे आपको पता चलेगा कि किस स्वर का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखो, स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान, ठीक है। चलो स्वरों का उच्चारण स्थान देखते हैं, है ना। पहले हम डालते हैं कंठ, है ना, फिर हम लोग डालते हैं कौन सा? तालु। फिर हम लोग डालते हैं मूर्धा, कौन सा? मूर्धा। फिर हम लोग डालते हैं क्या? दंत। फिर हम लोग डालते हैं कौन सा? दंत। उसके बाद कंठ तालव, कौन सा? कंठ, कंठ तालु। और फिर डालते हैं कंठोष्ठ, कौन? कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। फिर उसका उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ के बाद, है, कंठोष्ठ के बाद है फिर ओष्ठ, ओष्ठ। चलो इनका उच्चारण स्थान हम लोग जानते हैं, ठीक है। कंठ का उच्चारण स्थान, कंठ से उच्चारण किसका होता है? तो ये आपका आ और आ, इसका उच्चारण स्थान कंठ से है। तालु से किसका है? ई और ई से
तालु से है। मूर्धा से क्या उच्चारण होता है, ये आपका रिरी स्वर मूर्धा से होता है, ठीक है। दंत, दंत में दंत में कोई नहीं है, दंत में कोई स्वर नहीं है। कंड तालु से क्या हो जाता है, ये आपका ए और आपका जो ई है ये आपका कंड तालु से हो जाता है, किससे, कंड तालु से। ओ ओ और औ, ओ और औ जो होता है इसका उच्चारण स्थान होता है वो आपका कंठोष्ठ होता है, क्या होता है, कंठोष्ठ। और ओ से, ओष्ठ से उच्चारण स्थान ऊ और ऊ का, ऊ का उच्चारण स्थान होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका ओष्ठ होता है। तो सभी के उच्चारण स्थान आपके देखो क्लियर हैं, आ का उच्चारण स्थान कंठ से, ई का उच्चारण स्थान तालु से, रि का उच्चारण स्थान मूर्धा से, दंत से कोई नहीं है, और कंठ तालु से उच्चारण स्थान ए ई का, कंठोष्ठ से उच्चारण स्थान ओ औ का, और ओष्ठ से उच्चारण स्थान किसका है, ऊ का है। तो सभी के उच्चारण स्थान हो गए। अब कंड तालब दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है, कंड तालब, तो ये आ जाओ कंड तालब में कौन सा है, ए आई, तो इसमें है कौन सा, हाँ भैया ये है कौन सा, ए आपका जो है वो आपका कंड तालब से इसका उच्चारण स्थान है ना। जिया के आधार पर स्वर कितने भेद होते हैं, तो जिया के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं ये बात ध्यान रखना है। तो जिया के आधार पर पूछ ले कितने, जिया के आधार पर कितने भेद होते हैं स्वर के, तीन भेद होते हैं। नंबर एक अग्र स्वर, कौन सा, अग्र स्वर होता है, नंबर एक होता है अग्र स्वर। नंबर दो होता है आपका मध्य स्वर, कौन सा, मध्य स्वर होता है। और तीसरा आपका होता है वो होता है कौन सा, पश्च स्वर, कौन सा, पश्च स्वर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जिहा के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से, अग्र स्वर, मध्य स्वर और कौन सा, और आपका पश्च स्वर, कौन सा आपका, पश्च स्वर, ठीक है। ये आपका देखो अग्र स्वर में आपका कौन कौन आता है, अग्र स्वर में आता है बेटा ई ई ई और आता है आपका ए और ई, ये आपके जो है वो अग्र स्वर है। मध्य स्वर में केवल एक ही है, कौन सा, आ, और पश्च स्वर में आपका क्या है, आपका आ है ना, आपका आपका ऊ है, आपका ऊ है, आपका ओ है, और आपका कौन, आपका औ है, और आपका ओ, ये आपके जो है ये आपके कौन से हैं, ये आपके पश्च स्वर हैं, कौन से हैं, ये आपके सभी पश्च स्वर हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जिहा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो जिहा के आधार पर स्वर के तीन भेद होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर होते हैं। अग्र स्वर में किसे रखते हैं, मध्य स्वर में किसे रखते हैं, और पश्च स्वर में किसे रखते हैं, तो ऑप्शन आपका कौन सा, तीसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है ना। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है, अनुनासिक स्वरों का है ना, हाँ, निर्नुनासिक होते हैं और अनुनुनासिक स्वर होते हैं। तो अनुनासिक, अनुनासिक स्वर कौन होते हैं है ना, अनुनासिक स्वर और निर्नुनासिक स्वर, वो कौन से स्वर होते हैं, तो हाँ, तो ये होते हैं हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, इसको ऐसे लिखें, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, निकलने के आधार पर, के आधार पर, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर आपके जो स्वर हैं वो स्वर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, दो, पहला होता है होते निर्नुनासिक स्वर, कौन से, निर्नुनासिक, कौन, निर्नुनासिक, निर्नुनासिक स्वर, और दूसरे होते हैं आपके कौन से, अनुनासिक स्वर, कौन, अनुनासिक, अनुनासिक स्वर होते हैं, कौन से, अनुनासिक स्वर। इसमें निर्नुनासिक स्वर में आप किन्हें लिख सकते हो, निर्नुनासिक स्वर में आप इन सभी को, आप सभी को, आ आ, आप ई ई है ना, आप ऊ ऊ, ऊ ऊ ए, आप ई, और आप ओ, और आपके
कौन अहु, ये सभी आप लिख सकते हो। और अनुनासिक स्वर में आपको कौन से लिखने हैं, तो अनुनासिक स्वर में आप जब इस पे आप चंद बिंदु लगा देते हो, आप चंद बिंदु लिखते हो आप, है ना, यस, तो आपको ये आपके जो कहलाते हैं, है ना, ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके कहलाते हैं क्या, चंद बिंदु लग जाता है तो ये अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, क्या, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ये अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। सभी पर जब आप चंद बिंदु लगा देते हो तो अनुनासिक स्वर होते हैं, और निनुनासिक स्वर जो होते हैं वो आपके होते हैं ये आपके। तो यहाँ अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है, तो अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान जो होता है वो नाक और मुंह दोनों से होता है, किससे, अनुनासिक स्वर का उच्चारण स्थान जो होता है वो नाक और मुंह दोनों से होता है, और निनुनासिक स्वरों का उच्चारण केवल मुंह से होता है, केवल मुंह से जिसका उच्चारण होता है उसे कहते हैं निनुनासिक स्वर, और जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है उन्हें कहते हैं अनुनासिक स्वर। कौन सा अनुनासिक स्वर, तो ऑप्शन कौन सा, ए वाला आपका सही ऑप्शन है। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आवृतमुखी स्वर है, तो ओठों की आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए आपको दिया गया है ओठों की आकृति के आधार पर ओठों की आकृति के आधार पर स्वर आपके जो है स्वर आपके दो प्रकार के, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। नंबर एक आवृतमुखी स्वर कौन से होते हैं, आवृतमुखी स्वर होते हैं, और तो दूसरे होते हैं आपके कौन से, व्रतमुखी स्वर, कौन सा, व्रतमुखी स्वर, ध्यान रखना व्रतमुखी स्वर होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं आवृतमुखी स्वर और व्रत। जिनको बोलने में व्रत नहीं बनता है उन्हें कहते हैं आवृतमुखी स्वर, और जिनको बोलने में आपके ओंठों से व्रत बन जाता है उन्हें कहते हैं व्रतमुखी स्वर। तो इसमें आपके कौन से आएंगे, इसमें कौन से आएंगे, इसमें आएगा आ आ ई ई, है ना, आ आ ई ई ए और ई, ये आपके हैं कौन से, आवृतमुखी स्वर। और आपका उ उ, है ना, उ उ ओ ओ और औ और आपका ओ, ये आपके जो हैं वो कौन से हैं, व्रतमुखी स्वर हैं। तो आवृतमुखी स्वर पूछा है, तो आवृतमुखी स्वर इसमें से कौन सा है, अरे भैया आवृतमुखी स्वर आपका कौन सा है, ये आपका जो ई है वो देखो आवृतमुखी स्वर में है। तो आवृतमुखी स्वर हमारे ओठों की आकृति के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं, आवृतमुखी स्वर और व्रतमुखी स्वर, है ना। ये अगला देखिए, त्रिवेणी शब्द में त्र वर्णों के योग से बना है, तो ये आपका त्रिवेणी कैसे बना है, आपका त्रिवेणी किसके किसके योग से बना है, तो ये आपका जो है वो त्रिवेणी शब्द में त्रा किससे बना है, तो त्रा कैसे बनता है, तो मैं बता दूं थोड़ा, ये आपके संयुक्त व्यंजन जानते हो, संयुक्त व्यंजन देखो ये बता दूं, संयुक्त व्यंजन है ना, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, चार, कौन कौन से होते हैं, छा और आपका त्रा और आपका ज्ञा और आपका होता है कौन सा, स्रा होता है, कौन सा, स्रा। ये किससे किससे संयुक्त होते हैं, छा किससे संयुक्त हुआ है, ये आपका संयुक्त हुआ है का और प्लस सा से संयुक्त हुआ है, त्रा किससे हुआ है, ये आपका ता और रा से संयुक्त होता है, ज्ञा किससे हुआ है, ये आपका जा और या से संयुक्त होता है, स्रा काय से होता है, ये तालब सा और प्लस रा से संयुक्त होता है, ध्यान रखना दोस्तों। ये किससे संयुक्त होते हैं, संयुक्त व्यंजनों की संख्या चार है, ये संयुक्त व्यंजन आपके का और सा से संयुक्त होते हैं, ता और रा से, जा और या से, और सा और रा से संयुक्त होते हैं, ठीक है। यदि कभी कभी इतना आ जाए तो ये भी ठीक है ना, ये भी आपका जो है वो कैसा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी दे देते हैं, ध्यान रखो,
कभी कभी ऐसा भी दे देते सा, ये जो सा है सा में क्या छिपा है, सा में सा प्लस क्या छिपा है आ, तो कभी कभी इसका आ खोल देते हैं, तो इनमें आ यदि जुड़ा हो तो वो आपका, वो भी आपका ऑप्शन बन सकता है, यदि इसमें आ जोड़ के कोई ऑप्शन बने तो वो भी आपका आंसर बन सकता है, ये भी बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ता और रा कौन सा है, इसमें तो वो ऑप्शन नहीं था आ वाला, लेकिन ता और रा, अब ता और रा पीछे पूरा रा इधर आधा, तो ये आपका ता और रा त्रा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से होते हैं, अभी हल बताया क्षत्रज्ञ औसरा जो है ये संयुक्ताक्षर व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, चार होती है, क्षत्रग है ना, अज्ञ और कौन सा स्रा, कौन सा स्रा होता है, छा ये कैसे संयुक्त है, ये का और सा से संयुक्त है बताया, ये ता और रा से संयुक्त है ये बताया, ये जा और या से संयुक्त है ना, और ये आपका तालब सा और रा से संयुक्त है ना, यस। अगला, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण किससे होता है, तालु से होता है ना, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, तालु से किसका उच्चारण है, तो आपको पता है कचट तप, ऐसे याद करो, कचट का च टा ता और पा, इसका उच्चारण स्थान है कावर का कंठ है, चावर का होता है तालु, क्या होता है तालु, टावर का होता है क्या, तावर का होता है मूर्धा, क्या होता है मूर्धा, तावर का होता है दंत, क्या होता है दंत, और पावर का उच्चारण स्थान होता है कौन, ओष्ठ होता है। तो देखो इनमें से किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु है, तो तालु किसका है, चा, चा छा जा झा या चा छा जा, तो जा आ रहा है आपका, जा का उच्चारण स्थान तालु है ना, यस। तालब महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण कौन, वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तालब हो, तालब हो, महाप्राण हो, घोष हो, और ये देखो ये पांच वर्ग होते हैं ना, कितने होते हैं ये पांच, कौन कौन से होते हैं, ये आपके तालब प्राण महाप्राण और घोष है ना, ये तो ये आप जानते हो, ये आपके अल्पप्राण, अल्प प्राण है ना, अल्पप्राण, फिर आपका महाप्राण, आप लोगों ने पढ़े हैं महाप्राण, फिर आपका अल्पप्राण, अल्प प्राण, फिर आपका क्या महाप्राण, क्या महाप्राण, फिर आपका क्या अल्पप्राण, अल्प प्राण, ये ऐसे ही तो होते हैं, ये आपके अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण, ठीक है। इधर आपके जो होते हैं ये आपके, ये इधर होते हैं आपके, ये अघोष, कौन से अघोष, फिर अघोष, अघोष, ये फिर आपके सघोष, ये सघोष, फिर आपके ये सघोष, सघोष, फिर ये आपके सघोष, क्या होते हैं सघोष होते हैं है ना, ये अघोष, अघोष, सघोष, सघोष, सघोष है ये, इसमें फिर आपके ये वर्ग होते हैं, कौन होते हैं ये आपके वर्ग होते हैं, कौन से वर्ग होते हैं, वर्ग कितने हैं आपके, आपको पता है पांच, का खा गा, कौन सा गा, गा और आपका घा और आपका इंगा, फिर चा छा जा झा और या, टा ठा डा ढा और अड़ा, फिर आपके ता फिर था फिर दा फिर आपका धा फिर आपका ना फिर आपका पा फिर फा फिर आपका बा फिर आपका भा
फिर आपका माँ, ये है ना। इनका उच्चारण स्थान ताल, इनका उच्चारण स्थान क्या है, इसका इसका आपका कंठ है, क्या है कंठ, इसका क्या है आप जानते हो, इसका तालु है, इसका आप जानते हो इसका मूर्धा है, कौन सा है मूर्धा है उच्चारण स्थान, इसका क्या है आप जानते हो दंत है, इसका इसका क्या है, इसका आप जानते हो ओष्ठ है, क्या है ओष्ठ है, है ऐसे होते हैं। अब इन्होंने कहा है, अब इन्होंने कहा है कि अल्पप्राण फिर महाप्राण फिर अल्पप्राण फिर महाप्राण फिर अल्पप्राण, है ना। ये इसके ये वर्ग जो होते हैं, पांच वर्ग होते हैं, इसमें पहला तीसरा और पांचवा ये अल्पप्राण होते हैं। कौन कौन से, ये आपके देखो पहला तीसरा और पांचवा ये आपके क्या हैं, ये आपके अल्पप्राण हैं, क्या आपके ये अल्पप्राण हैं, और आपके दूसरा दूसरा और कौन सा, दूसरा और चौथा ये आपके कौन से हैं, ये आपके महाप्राण हैं, क्या है महाप्राण। अघोष अघोष की यदि हम बात करें तो आपके पहला और दूसरा वर्ग जो है ये आपके अघोष वर्ण हैं, कौन से, ये आपके अघोष वर्ण हैं, और आपके जो हैं कौन कौन से, तीसरा तीसरा चौथा और पांचवा ये आपके सघोष वर्ण हैं, कौन से हैं, ये आपके सघोष वर्ण है, ठीक है, अघोष और सघोष, है ना। तो अब इन्होंने पूछा तालव, तालव का उच्चारण स्थान ये है, और महाप्राण, महाप्राण ये है, देखो अल्पप्राण और महाप्राण, और घोष कैसा, घोष घोष चाहिए तो आप तालव से यहाँ, और घोष भी चाहिए यहाँ, देखो ये झा है, अब झा जो है ये आपका महाप्राण भी है, ये आपका घोष व्यंजन भी है, सघोष, घोष और सघोष एक ही बात होती है, घोष और सघोष जो होती है वो एक ही बात होती है, ठीक है, यस। तो ये आपका छा जो है ये आपका सघोष भी है, महाप्राण भी है, और आपका तालव कौन सा है, ये तालव भी है, कौन सा है, ये आपका तालु से उच्चारण स्थान भी है, तो कौन सा आपका हो जाएगा, कौन सा आपका झा वाला हो जाएगा, कौन सा झा वाला हो जाएगा, ये अब याद रखना। अब ये मैं इस तरह से ही बताऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना इनको, है। अगला देखिए, कौन सा वर्ड पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर कौन सा होता है, वर्ग का पांचवा अक्षर, पंचमाक्षर का मतलब वर्ग का पांचवा अक्षर जो होता है, वर्ग का पांचवा अक्षर, वर्ग का पांचवा अक्षर जो होता है उसे आप लोग पांचवा अक्षर भी कहते हैं, उसे आप पंचम वर्ण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, उसी को आप पंचम वर्ण भी कहते हैं। कौन कौन से हैं ये, ये आपके हैं यंगड़गम, इंगा या अड़ा ना और आपके मा, ये आपके जो हैं इन्हें आप पंचमाक्षर, इन्हें क्या क्या कहते हैं, इन्हें आप कहेंगे पंचम, आप कहेंगे पंचम वर्ण, या आप पंचमाक्षर, क्या पंचमाक्षर, ये पंचमाक्षर है ना, और ये आपके अनुनासिक हैं, कौन अनुनासिक हैं, क्या है अनुनासिक, इन्हें अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं, क्या कहते हैं अनुनासिक व्यंजन, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों जगह से निकलती है, इसीलिए इन्हें अनुसार अनुनासिक व्यंजन, पंचम वर्ण या पंचमाक्षर के नाम से इन्हें जानते हैं। कौन सा वर्ड पंचमाक्षर है, कौन सा वर्ड पंचमाक्षर है, इसमें पंचमाक्षर तो कोई नहीं लग रहा है, गलत हो गया क्या, अच्छा ये है तो माँ, माँ आपका क्या है पंचमाक्षर है, यंगणनम होते हैं ये, ठीक है, यस। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन, व्यंजन वर्णों की, वर्णों की संख्या पूछ रहा है ना, संख्या पूछ रहा है, तो आपके कितने 33, इन्हें मूल व्यंजन, कभी कभी ये ऐसे आ जाते हैं, मूल व्यंजन, मूल व्यंजन की संख्या, ऐसे पूछ लिया जाए मूल व्यंजन की संख्या, तो मूल व्यंजन की संख्या कितनी 33, कौन कौन से, पहला आपके आपके स्पर्श व्यंजन, कौन से इसमें जुड़ते हैं, आपके जुड़ते हैं स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, और आपके दूसरे अंतस्थ व्यंजन जुड़ते हैं, कौन से अंतस्थ व्यंजन जुड़ते हैं, अंतस्थ व्यंजन की संख्या
चार है और आपके तीसरे जुड़ते हैं ऊष्मेंजन। क्या ऊष्मेंजन जुड़ते हैं? ऊष्मेंजन की संख्या कितनी है? ये 0-4 है। 25-4, 29-4, 33 इन्हें कहते हैं मूल व्यंजन। क्या मूल व्यंजन? कभी भी पूछ लिया जाए मूल व्यंजन की संख्या, तो ध्यान रखो मूल व्यंजन की संख्या हमेशा 33 होती है। कौन कौन जुड़ते हैं वो आपके सामने है, ये वाले आपके जुड़ते हैं, इन्हें मूल व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञा आपको बताया था, ज्ञा आपका कैसे बना है, तो ज्ञा आपका जा और प्लस यहाँ से बना है, ये आपका जा और यहाँ से बना है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, अच्छा अगला देखो, स्पर्श वर्णों की संख्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपको बताई 25 होती है। कहाँ से? ये आपके का वर्ग से, का वर्ग से पा वर्ग तक, कहाँ तक? पा वर्ग तक होते हैं, या आप कह दो का से माँ तक, या कह दो का से माँ तक, ये भी कह सकते हो का से माँ तक, है ना, ये कह दो या ये कह दो। ठीक है, अगला देखो, सा का उच्चारण स्थान क्या होता है? सा देखो, ये सा के उच्चारण, ये ऊष्म व्यंजन कौन से? ऊष्म व्यंजन ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं ऊष्म व्यंजन? देखो, ये आपके सा और आपका सा 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 और हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन है। कौन से ऊष्म व्यंजन है? इनका उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान तालु है, इसका उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा है, इसको आप दंती सा बोलते हो, दंत है, ये आपका हा जो है ये आपका स्वर यंत्री होता है। क्या होता है? स्वर यंत्री होता है, स्वर यंत्री होता है, और आपका हा जो है इसका उच्चारण स्थान आप स्वरयंत्री या फिर आप कंठ कह सकते हो, है ना, इसी को आप लोग हा को एक और चीज़ कही जाती है, हा को काकल वर्ण भी कहा जाता है। काकल वर्ण कौन सा? काकल वर्ण पूछ लिया जाए काकल वर्ण कौन होता है, तो हा आपका जो है वो काकल वर्ण भी है। क्या है? काकल वर्ण। हा काकल वर्ण है, स्वरयंत्री है, और उच्चारण स्थान इसका कंठ से है, कंठ के भीतर से है। ठीक है, अच्छा ये आपके होते हैं, ये आपके जो होते हैं, ये आपके होते हैं महाप्राण और अघोष होते हैं। कैसे होते हैं? ये आपके महाप्राण और अघोष होते हैं, है ना, वो अल्पप्राण होते हैं, ये महाप्राण होते हैं और अघोष होते हैं, ये महाप्राण और इन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण और अघोष। अघोष क्या होता है? ये ठीक, ये आपका हा जो है, हा के बारे में, ये आपका महाप्राण है, ये आपका महाप्राण और सघोष होता है। कैसा होता है? महाप्राण और सघोष होता है, महाप्राण और सघोष होता है। ठीक है, वो महाप्राण और क्या होते हैं? अघोष होते हैं। ठीक है, ये यस ठीक, देखते हैं आगे, है ना, अब कहाँ तक हुआ है देखो, अगला देखो, तो इसमें सा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। कौन सा? तालु है। अगला देखो, का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं? का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं? का वर्ग में, तो लिखो का वर्ग में, का खा गा घा और इंगा, ये का वर्ग में घोष व्यंजन, तो घोष कौन से? ये आपके होते हैं अघोष, ये अघोष, फिर अघोष होता है, फिर आपका अघोष होता है, फिर आप जानते हो ये सघोष होता है, ये सघोष, फिर सघोष होता है, आपका सघोष होता है, और फिर आपका सघोष होता है। क्या होता है? सघोष। तो बताओ इसमें का वर्ग में घोष का मतलब सघोष, तो कितने होते हैं? ये 3 होते हैं। कितने? 3 होते हैं। ये अगला,
अंतस्थ और उस वर्ण कितने हैं? अंतस्थ यदि पूछ दिया जाए, अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है बताओ जल्दी, चार है। और ऊष्म व्यंजन की संख्या पूछ ली जाए, ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन की संख्या भी आप जानते हो कितनी है, चार। तो चार चार जोड़ोगे तो कितनी, दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, आठ हो जाएंगे, ठीक है। यस, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों के कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में बांटा गया है, है ना। यस ठीक, चलो देखते हैं अगला, नेक्स्ट। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों का जब मेल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम लोग व्यंजन बोलते हैं। क्या? एक से अधिक वर्णों के मेल को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्णों के मेल को हम लोग क्या बोलेंगे? व्यंजन बोलेंगे, है ना। एक से अधिक वर्ण के मेल को हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम लोग क्या बोलेंगे? व्यंजन, ठीक। अगला, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, है ना। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान जो है वो आपका तालव्य है, ठीक है। हाँ, तो किसका उच्चारण स्थान, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो आप जानते हो कचड़ तप का वर्ग होता है, और का काचा चाचा जा झा, ये आपका तालव्य कौन सा है? ये वाला, है ना। आप लिखोगे चा, ऐसे ही तो लिखोगे, ऐसे का वर्ग में का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, और चा वर्ग का क्या होता है, चा वर्ग का कौन सा होता है? तालु। तो ये चा वर्ग में आ गया, चा छा जा झा, तो ये हो जाएगा आपका भी ऑप्शन, है ना। ऊष्म वर्ण कौन से हैं? आप जानते हो सा सा सा, ये आपके ऊष्म वर्ण हैं। कौन से? सा सा सा, ये आपके ऊष्म वर्ण हैं। यस, आप जानते हो दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कौन से? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यस, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? छा का क्रम, छा देखो ये आपका छा है, इसको कैसे संयुक्त किया जाता है? का और सा से संयुक्त किया जाता है, इसलिए इस छा को ध्यान रखो, छा को कसा बोला जाता है। जैसे आप छत्री लिखते हो, क्या लिखते हो? छत्री, तो छत्री नहीं कसत्री, क्या? कसत्री होता है, कसत्री। तो इस का का उच्चारण स्थान, इस छा का उच्चारण स्थान का के बाद होता है, का वर्ण के बाद होता है, का वर्ण के बाद छा का उच्चारण स्थान है, छा का उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान है, ध्यान रखना है, का के बाद, का के बाद में है, ध्यान रखना। तो किसके बाद? का के बाद। अगला, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह है? तो अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? दो, अयोग अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण की संख्या कितनी बताई थी? जीरो। दो कौन कौन से? अंग, अंग बताया, और आपका कौन सा बताया? आपका आहा बताया। अंग को क्या कहा हमने? हमने कहा अनुस्वार है ये, इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। और इसे क्या कहते हैं? विसर्ग। क्या? विसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? दो। अगला, कच्छा शब्दों का शुद्ध उच्चारण क्या है? कच्छा का शुद्ध उच्चारण क्या है? तो कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या है? तो कक्षा, क्या होना चाहिए? कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण कच्छा, कच्छ, कच्छा, कक्षा, या होना चाहिए क्या? कक्षा, कक्षा होना चाहिए। तो इसका उच्चारण होगा क्या? कक्षा। क्या होगा? कक, कक्षा होगा। क्या होगा? कक्षा, ये ठीक। अच्छा,
कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? रा व्यंजन किसमें नहीं है? मात्र, मूर्धा, क्रम या मातृभूमि, किसमें रा व्यंजन नहीं है? तो बताएंगे, रा व्यंजन इसमें मात्र जो है इसमें भी रा व्यंजन है, मात्र में यहाँ ता और रा होता है, यहाँ त्रा है ना, ये त्रा, तो त्रा में कौन कौन संयुक्त है? ता और रा, तो इसमें भी है। क्या मूर्धा में? अरे मूर्धा में भी है ना, मूर्धा जो है इसमें भी, तो मूर्धा ऐसे लिखोगे, मूर और धा ऐसे लिखोगे तो मूर्धा में भी रावण है। क्रम लिखोगे तो क्रम है ना, ये क्रम जो है ये भी ऐसे, क्रम ये भी आपके लिखोगे है ना, तो क्रम में भी है। किसमें नहीं है? मातृभूमि में नहीं है। किसमें नहीं है? मातृभूमि, क्योंकि मातृभूमि में ये रिरि है, मातृभूमि में ये काहे की मात्रा, ये तो रिरि की मात्रा है, तो इसमें नहीं है। इसमें आधा रा है ही, इसमें मूर्धा में रा है, मात्र में भी रा है। अगला देखो, रा का विवरण है। रा कैसा है? अरे या रा लावा, या रा और ला और आपका कौन सा वा, ये उच्चारण स्थान। या का उच्चारण स्थान क्या होता है जल्दी बोलो? या आपका तालब होता है। क्या होता है? या का उच्चारण स्थान तालब। रा का क्या है? वर्ष है। क्या है इसका? वर्ष है इसका, उसका उच्चारण स्थान वर्ष। और ला का उच्चारण स्थान भी आपका वर्ष है ना, क्या है? वर्ष। इसे दंतमूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दंतमूल है। और इसका वा का उच्चारण स्थान ये आपका दंतोष्ठ है। क्या है इसका उच्चारण स्थान? इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, दंतोष्ठ है ना, इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। तो रा का विवरण क्या है? रा कैसा होता है? ये आपके जो होते हैं ये अल्प प्राण होते हैं। कैसे होते हैं ये? ये आपके अल्प प्राण होते हैं। और कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। कैसे होते हैं? अल्प प्राण और सघोष। तो रा, रा जो होगा अल्प प्राण होगा, अल्प प्राण होगा रा, और सघोष भी होगा। तो अल्प प्राण पहले देखो, अल्प प्राण इसमें है और सघोष भी है, ठीक है। यहाँ महाप्राण है, अल्प प्राण सघोष, ये अघोष है, गलत। ये सघोष और महाप्राण ये गलत है। कौन सा है? ये रा। रा आपका लुंठित होता है, ला पार्श्विक। रा को कहा जाता है, रा लुंठित होता है। क्या होता है? लुंठित होता है। लुंठित व्यंजन पूछ लिया जाए, लुंठित व्यंजन ये पूछ लिया जाए, ध्यान रखो, लुंठित व्यंजन, तो लुंठित व्यंजन कौन होता है? लुंठित व्यंजन आपका रा होता है। पार्श्विक व्यंजन यदि वो पूछ ले, पार्श्विक व्यंजन क्या है, कौन सा पार्श्विक व्यंजन यदि पूछ ले, तो पार्श्विक व्यंजन ला होता है। कौन? ला होता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए ये लुंठित में जाएगा, पार्श्विक नहीं जाएगा, है ना। अगला देखो, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण यंगणनम है ना, बताए थे यंग गणनम, ये बताए थे यंग गणनम, ये आपके पंचमाक्षर जो होते हैं उन्हीं को अनुनासिक वर्ण और पंचमाक्षर कहते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया। अगला देखो, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग नहीं है, अरे ध्यान रखो भैया, ई और ई, ई और आपका रिरी, ई और रिरी जो होते हैं ये आपके स्त्रीलिंग होते हैं। कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग। वर्णमाला के ये तीन अक्षर जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं और सभी पुल्लिंग होते हैं। तो ई और रिरी आपके स्त्रीलिंग होते हैं और सभी पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। किस शब्द में रिरी स्वर नहीं है? किस शब्द में रिरी स्वर नहीं है? कृपा में है, कृष्ण में है, रिरी स्वर किस में नहीं है? अरे भैया, आज में रिरी की कोई मात्रा नहीं है। कृपा में भी रिरी की मात्रा है, कृष्ण में भी है, दृष्टि में भी है, आज में कोई रिरी की मात्रा नहीं है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है उसे कहा जाता है वर्ण। क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो वर्ण कहा जाता है, ठीक। ठीक, तो ये आपके जो है सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। यस,
तो आपकी जो प्रैक्टिस थी वर्णमाला की वो मैंने अच्छे से करवा दी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वर्णमाला में, है ना। यस, तो इन सभी को आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रखिए रहिए, और जय हिंद। आज इतना ही रखिए।